नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारे देने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला जारी है। ओडिशा के कोरापुट में जनसभा का संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आपका ये चौकीदार आपके बीच आया है। ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा होंगे या नहीं, एलजी तो हफ्तों में लेंगे निर्णय। जेबीटी भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत रही स्थिर और डीजल हुआ सस्ता, जानिए अपने शहरों की कीमतें। पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को स्थिर रही, वहीं डीजल की कीमत में मामूली कटौती की गई। चारों महानगरों में डीजल शुक्रवार को 9 से 10 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हुआ। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72.81 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 66.30 रुपए प्रति लीटर का बिक रहा है, जो कि गुरुवार को 66.39 रुपए प्रति लीटर पर था। विराट ने आईपीएल में रचा नया इतिहास। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 2019 के सातवें मैच में मुंबई के खिलाफ एक नया इतिहास रच दिया है। विराट को आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे करने के लिए 86 रन बनाने थे, उन्होंने इस मैच में 86 रन बनाए और इस कमाल की उपलब्धि को अपने नाम कर लिया। वो रैना के बाद आईपीएल में 5000 रन का आंकड़ा छूने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। मीटू की वजह से हिंदी फिल्मों में काम बंद, अब तेलुगु डेब्यू कर सकते हैं नाना पाटेकर। मीटू में नाम सामने आने के बाद नाना पाटेकर को हाउसफुल 4 से बाहर होना पड़ा था। नाना पाटेकर अब तेलुगु फिल्म में काम करने जा रहे हैं, इसमें उनके साथ अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। जगाधरी में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि देश में 20 करोड़ गरीब लोगों की पहचान करके उनके अकाउंट में 72,000 सालाना डाला जाएगा। रैली में राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, कहा सारे चौकीदार चोर नहीं, सिर्फ प्रधान चौकीदार। गूगल के लंदन ऑफिस में मुंबई के युवा की 1.2 करोड़ रुपए की नौकरी। अब्दुल्ला खान जो कि 21 वर्षीय आईआईटी के लिए प्रवेश पत्र क्रैक करने में विफल रहे, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि कई आईआईटीएन ईर्ष्या करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में खान ने 1.2 करोड़ रुपए की पैकेज के लिए गूगल के लंदन कार्यालय में नौकरी की। शहर के कैर आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्नातक करने की पेशकश की, औसत वेतन लगभग 4 लाख रुपए। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं, और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।